हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। जो भी आपके पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, या अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, कब तक कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या बातें आपकी उनको ज़्यादा आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, जानने की कोशिश करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है या जिस भी स्पेसिफिक पर्सन से आप प्यार करते हैं उसका नाम लीजिए, उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ब्यूटिफुल मोमेंट्स को मेमोराइज कीजिए, और आपको उनका चेहरा भी याद करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो सके। तो ये जो रीडिंग है जनरल है, यानी कि सबके लिए है, कलेक्टिव है और सभी राशियों के लिए है। साथ ही साथ ये टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब कभी भी वीडियो आपके सामने आ सकता है और आपकी सिचुएशन के साथ या जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके साथ ये मैच कर सकता है। तो जो भी पॉजिटिव है उसे आप लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिव मोड ले लेगी, एक खुशी आप पा सकेंगे, जो आपने खोई है आपकी खुशियां वो वापस अपनी जिंदगी में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। मतलब नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, नेगेटिव कुछ भी अपने मन में नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर का नाम लेना है। बार बार उनका नाम लीजिए, एंजल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जो भी सवाल मेरे व्यूअर्स के मन में है उनके उनको सही गाइडेंस मिल सके। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि हमेशा ऐसा हुआ है कि आप दोनों हमेशा साथ में थे, अचानक से आप दूर हो गए, एक दूसरे से दूर होते थे फिर साथ में आ जाते थे। मतलब कि ये ऑन ऑफ सिचुएशन होता रहता था आप दोनों के बीच। ऐसा लगता है कि बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है सेपरेशन, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा था कि दो चार दिन, एक हफ्ता, एक महीना ऐसा। लेकिन इस बार जो सेपरेशन हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ, हर रिश्ते में ऐसा होता ही है, कुछ ना कुछ एक दूसरे का आपको अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे से नाराज रहते हैं, और नाराज जब रहते हैं तभी प्यार बढ़ता है। लेकिन ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब इसका रीजन कुछ बहुत ज्यादा गंभीर लगता है या कुछ सीरियस सीरियस कुछ रीजन है, यानी कि दोनों में से कोई तो हर्ट हो चुका है। मतलब सेपरेशन ऐसे ही नहीं होता है। आपका दिल जब दर्द आपके दिल में होता है या दिल आपका टूटता है तभी आप थोड़ी दूरियां बना लेते हैं उस पर्सन से, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वही आपको दर्द दे सकता है। बाकी लोग आपको कुछ भी बोले चाहे कुछ भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं अगर वो आपको कुछ बोले या कुछ आपको सुनाए या आपको तकलीफ दे या फिर आपसे नाराज रहे, तो वो जो तकलीफ होती है वो आप किसी को बता भी नहीं सकते, सिर्फ वही पर्सन उसे महसूस कर सकता है जिसने सच्चा प्यार किया है। तो यहां पर जो स्ट्रांगली राशियां रिफ्लेक्ट हो रही है वो है एरिस, टॉरस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये कुछ राशियां यहां पर स्ट्रांगली महसूस हो रही है। जो इनिशियल्स या जो लेटर्स अभी यहां पर दिख रहे हैं वो लेटर है एफ,
लेटर है के, लेटर वी, लेटर आर, लेटर ए, लेटर डब्ल्यू और पी। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है नंबर्स। यहाँ पर नंबर 4 क्लियरली दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ नंबर 9 दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ नंबर्स आपके जिंदगी में कुछ खास हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, या ऑलरेडी है, मतलब आपकी बर्थ डेट, आपके पर्सन की बर्थ डेट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि आपका दिल तोड़कर ये पर्सन खुश नहीं है। भले आपका दिल टूटा, आपको दर्द हुआ, आप इनके सामने रोए होंगे, या आपके जब भी आंखों में या आंसू देखते हैं तो उससे इनको बहुत ही पेन होता है जो ये दिखा नहीं सकते, ऐसा लगता है। मतलब ये पर्सन अंदर से रोते हैं जब आपको रोते हुए देखते हैं, आपके आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस टाइप के ये पर्सन लगते हैं। मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स है, आपकी केयर इनको बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके बारे में सोचना या आपका ख्याल रखना, आपको तकलीफ ना होने देना, इस टाइप की फीलिंग्स इस पर्सन की है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ये सोचते हैं कि इनको आप भी समझा करो, इतने नाराज मत रहा करो, ऐसे ही पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि ज़्यादा दूरियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती, या आप ज़्यादा नाराज इनसे रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। भले ही कह नहीं पाते आपसे, लेकिन ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर है कि ये छुप छुप के रोते हैं, या अकेले में जब रहते हैं तो रोते हैं। तो पर्सन आपसे अटैच तो है, मतलब दिल का कनेक्शन लगता है आप दोनों का, और ऐसे भी यहाँ पर लगता है कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, तभी तो इतनी तकलीफ हो रही है आपको और उस पर्सन को भी जो आपसे जुदा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है अभी फिलहाल तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड है किसी भी वजह से, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर पड़ी हुई है, या फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये घर में है, मतलब किसी बैड सिचुएशन में लगते हैं, जैसे कि इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या इनके पेरेंट्स अगर है तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कोई तो बीमार है ऐसा लगता है। यहाँ पर एक बोट का सिंबल बना हुआ है, जैसे कि बोट में बैठना आपको पसंद है, या आपके पार्टनर को बोट में जाना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बोट में ट्रैवल करना या शिप पर जाना ये पसंद है ऐसा लगता है, या आपके पार्टनर जो है शिप पर जॉब करते होंगे, ऐसे भी यहाँ पर वाइब्स हैं। किसी के लिए ऐसा लगता है कि क्रिसमस के टाइम पे, यानी कि पिछले दिसंबर में आप दोनों सेपरेट हुए हैं, ऐसा लगता है क्रिसमस वाइब्स है। ऐसा लगता है कि क्रिसमस के टाइम या दिसंबर महीने में पिछले साल आप दोनों अलग हुए हैं, ऐसी यहाँ पर वाइब्स है। मतलब दिसंबर तक आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और उसके बाद दोनों का कांटेक्ट ही नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। किसी के लिए हो सकता है कि दिसंबर से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, यहाँ देखने की बहुत चाहत है, मतलब देखना चाहते हैं आपको, ऐसा ये पर्सन को लगता है कि आपको वीडियो कॉल करें अभी के अभी और आपको देखें एक बार, आपकी आवाज सुने, ऐसे यहां पर सिचुएशन लग रही इस पर्सन की। यहां पर ऐसे भी लगता है कि ये पर्सन और आप ज्यादा टाइम एक दूसरे से नाराज नहीं रहेंगे, ऐसी सिचुएशन बदल जाएगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जल्द ही आप दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ड्रॉप्स सर्कल को ज्वाइन करते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक कंप्लीशन हो रहा है, जो टूटा था रिश्ता वो फिर से जुड़ रहा है ऐसा लगता है, और 100% जुड़ेगा ये।
तो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपके पर्सन की तरफ से मिसिंग की है, मतलब आपको बहुत ज्यादा याद करना या हर एक छोटी छोटी बात आपके बारे में सोचकर इनको बहुत हंसी भी आती है, स्माइल आती है। मतलब ये भले ही कितने भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी याद आती है तो इनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है, और स्माइल में 100% ये दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपको सोचकर। मतलब सिर्फ आपको सोचकर ये रोमांटिक फील करते हैं, इसका मतलब जब आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पैशनेट और रोमांटिक रहते हैं, क्योंकि आप इनको अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पर अट्रैक्शन होता है वहीं पर पर्सन रोमांटिक हो सकता है। जहाँ उसको फीलिंग्स ही नहीं आती किसी के लिए, वहाँ पर वो पर्सन कैसे रोमांटिक हो सकता है। तो आप स्पेशल हो इस पर्सन के लिए ऐसा लगता है। यहाँ पर ऐसे भी वाइब्स हैं कि आपके पर्सन को या आपको कैडबरी चॉकलेट्स का बहुत शौक है, या जब भी आप मिलते हैं आपको चॉकलेट्स दिया करते हैं आपके पर्सन, ऐसे यहाँ पर वाइब्स हैं। चॉकलेट्स की वाइब यहाँ पर है, जैसे कि ये हो सकता है कि आप एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं जब भी मिलते हैं, चॉकलेट्स किसी के फेवरेट लगते हैं। ये भी हो सकता है चॉकलेट आइसक्रीम आप दोनों में से किसी का फेवरेट है। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि घोड़े पर बैठकर एक इंसान आ रहा है, यानी कि जब शादी होती है तो दूल्हा आता है घोड़े पर बैठकर, घोड़ी के ऊपर बैठकर, तो उस टाइप का सिंबल यहाँ पर है, यानी कि आपका डिवाइन कनेक्शन है। और अगर शादी आपकी होगी, मैरिज, तो यही पर्सन से होगी ऐसा लगता है। यहाँ किसी के लिए ऐसा लगता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब एक ही सिटी में आप नहीं रहते हैं और कभी कभार मिलते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रिज सा बना है, वहां तक रेलवे रूट जैसा बना हुआ है, मतलब ट्रैवल करके आना पड़ता है एक दूसरे से मिलने के लिए, बहुत दूर है एक दूसरे से। या फिर जॉब के सिलसिले में आपके पर्सन दूर चले गए, आपके सिटी से थोड़े दूर है, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर फूलों की एनर्जी भी है, जैसे कि एक फ्लावर बना हुआ है। आपको ज़्यादा फ्लावर्स पसंद है या रोज़ पसंद है, या आपके पर्सन जब भी आपसे मिलने आते हैं तो आपको स्पेशल फील कराने के लिए रोज़ देते होंगे, रोज़ का फ्लावर ऐसा लगता है। या फिर आपका रेड कलर फेवरेट हो सकता है ऐसा भी लगता है, या जब भी आप रेड लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ ही दिनों में, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 14 दिन के अंदर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, या 14 डेज कुछ स्पेशल है, 14 डेज ऐसा लग रहा है। यहाँ पर वाइब्स है स्ट्रॉन्ग कि 14 डेज में कुछ ना कुछ होने वाला है। मतलब 14 फेब होता है वैलेंटाइंस डे, तो ऐसे यहाँ पर वाइब्स क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा है, लग रहा है कि 14 दिन के अंदर आप दोनों का कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि नो कांटेक्ट अगर है या फिर आप एक दूसरे से मिले नहीं है, तो 14 दिन में कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है जहाँ पर बदलाव आएंगे आपके सिचुएशन में, और आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने भी आएंगे तभी नाराज नहीं रहेंगे, क्योंकि जो प्यार आपका है या फीलिंग्स जो भी है वो एक दूसरे की तरफ आपको नाराज होने ही नहीं देंगी, ऐसी यहाँ पर वाइब्स है। और ये तभी होता है जब प्यार सच्चा होता है। किसी पर्सन का ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं आपसे मिलने के बाद कहीं पर जाने का, या तो मूवी देखने के लिए जाना है इनको, या आपने कुछ बोला होगा कहीं पर जाना है स्पेशल प्लेस, उसका अरेंजमेंट करके आएंगे ये पर्सन और आपको सरप्राइज दे सकते हैं, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। क्यों पता नहीं,
लेकिन आपने अपने पर्सन को बोला होगा कि आपको इस पर्सन या इस डेस्टिनेशन पर जाना है उनके आपके पर्सन के साथ, तो ये पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं, ऐसे यहाँ पर वाइब्स हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ब्लॉकेजेस जो भी है या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में हैं वो खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर नो का सिंबल आया, मतलब कुछ खत्म होने वाला है, मतलब दूरियां खत्म होगी, रीयूनियन होगा, या जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जिस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप अलग हुए हैं, वो सब कुछ जो बुरा था पास्ट वो खत्म होने वाला है। एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत, एक अगला नया कदम आप बढ़ाएंगे दोनों एक साथ, ऐसी यहाँ पर वाइब्स है। तो क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डीप हार्ट में इमोशंस है, आपको बसाया है दिल में और ये कभी निकालेंगे नहीं। इन्होंने अपने दिल का दरवाजा बंद किया है ताकि दूसरा कोई इनके दिल में उतर ना सके। तो यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव रहने की आपको मैसेज है। आज के रीडिंग में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।